हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह सुबह देखिए कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, ये घर के पास ही एक स्पोर्ट्स क्लब है और वहाँ पर खेत भी है और एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ पर हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, रोड की तरफ सुंदर नज़ारे और काफ़ी ग्रीनरी थी और वहाँ खेत में भी काफ़ी फसल लगी हुई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ जाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, पुणे एक अच्छी सिटी है और काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं वहाँ पर चारों तरफ और काफ़ी हिली एरिया है और ये खेत में फसल लगी हुई है और सुबह सुबह खेत को देखकर मन खुश हो गया, अपने गांव की याद आ गई। जैसे आप लोगों को पता है, कोरोना का टाइम चल रहा है, घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो घर में रह के काफ़ी दिन से बोर हो गए थे, तो हमने सोचा कि क्या करें, आज सुबह सुबह थोड़ी देर पास में ही मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पर काफ़ी सुंदर लग रहा है और इस पेड़ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम है। बचपन में तो हम लोगों ने इसके पत्ते बहुत खाते थे, खट्टे खट्टे पत्ते लगते थे, पर नाम ध्यान नहीं आ रहा। आप कमेंट्स करके बताइए कि इस पेड़ का क्या नाम है। ये देखिए, नारियल का पेड़ लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, खेत में गन्ने लगे हुए हैं। अभी गन्ने के पेड़ छोटे हैं और महाराष्ट्र में गन्ना बहुत होता है खेतों में। यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है समर के टाइम पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर घूमने के बाद में। अभी तो पुणे में सारी जगह बंद है, जब पुणे में कोरोना ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ें खुल जाएगी तो मैं आपको पुणे ज़रूर घुमाऊँगी। काफ़ी अच्छा पुणे में देखने के लिए काफ़ी सारी जगह है और काफ़ी अच्छी प्लेस है पुणे। ये देखिए फ्रेंड्स, नीम के पेड़ पर निवोली जो होती है ये पक गई है और उसको देख रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। 1 किलोमीटर आगे आने के बाद अब हम घर के लिए वापस रिटर्न हो रहे हैं और अब वापस 1 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में ही घर वापस पहुंचने वाले हैं और सड़क के साइड में कुछ काम चल रहा था जो अभी तो बंद था सुबह के टाइम पर। और फिर घर पे आके सबसे पहले हमने नहाया और नहाने के बाद में नाश्ता तैयार किया। हलवा और चाय रेडी है। मैंने चने भी गलाए थे रात को खाने के लिए नाश्ते में, पर अब चने की सब्जी बना लेंगे चने को।